आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज का ये वीडियो है बहुत ही खास वीडियो है महिलाओं के लिए, और महिलाएं जो है आप खास करके ध्यान दें, और जो पुरुष पर्सन भी देख रहे हैं आप लोग भी ध्यान दें और महिलाओं को सपोर्ट करें, आपके घर में जो महिलाएं हैं उनका सपोर्ट करें। तो आज का ये वीडियो है, आज का जैसे कि हम लोग फास्टिंग करते हैं, अभी नवरात्र का जो है व्रत चल रहा है, इसी तरीके से छठ, दीपावली और भी जो है पर्व त्यौहार आ रहे हैं, ऐसे तो आप लोग थंबनेल देख समझ ही गए होंगे किस टॉपिक पर ये वीडियो बना हुआ है और किस टॉपिक पर मैं आज ये वीडियो बात करने वाली हूँ। जी हाँ, क्योंकि ये जो है ये समाज और हमारे घर का ये बहुत ही गंभीर समस्या है जिसे महिलाओं को जूझना पड़ता है, और हमारे घर में जो भी बुजुर्ग हैं और पहले के जो सोच रखने वाले हैं उनकी बातों को सुन सुनकर जो है महिलाओं को जो है और भी झेलना पड़ता है। तो अभी जैसे कि नवरात्र चल रहा है, तो मान लीजिए कि 2 से 3 दिन अभी जो है कोई महिला जो है कलशा बैठाई है पूजा की, और बीच में ही उनका पीरियड और मासिक धर्म हो जाता है, क्या और जो है पूजा नहीं कर सकते, बीच में ही छोड़ना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने खुद ही देखा है कि हमारे जो पेरेंट्स, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो छठ करते हैं, गुजरात हमारे पेरेंट्स छठ पर्व जो है वो करते हैं, तो हमने खुद ही देखा है, और एक नहीं कईयों हमने देखा है, 2, 4, 10 हमने देखा है और सुना भी है। छठ में बातें होती है कि नहीं छठ ऐसा पर्व है कि जिसमें अगर जो है मासिक धर्म महीना बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, अगर हो जाते हैं महिलाओं को तो वो जो है इतना बड़ा छठ जो है वो कैसे छोड़ सकती है, इसीलिए जो है वो छठ जो है व्रत कर सकती है। तो जब हम लोग छठ पर्व कर सकते हैं तो फिर हम लोग और भी त्यौहार और भी फांसी क्यों नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग जो है आराम से कीजिए, और आप जो है कैसे करेंगे वही मैं उपाय एक वीडियो में लेकर आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो मैं वीडियो लेके आई हूँ तो काफ़ी पसंद आएगा। अगर अच्छी रहेगी वीडियो तो हमारे कमेंट्स को जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, इस ये टॉपिक का वीडियो जो है कैसी लगी, और अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारा जो है घर परिवार पड़ोस और समाज हमारा सुधर सके और कुछ उनके मन में अच्छा सोच आ सके और नया बदलाव आ सके। जी हाँ, तो आज मैं बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से मासिक धर्म पीरियड या महीना आने पर पूजा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप पूजा करने जा रहे हैं और ब्लड बहुत आ रहा है, तो आप आराम से जो है नहा धो लीजिए, उसके बाद जो है पेड या कपड़ा बिल्कुल ही मत लगाइए, और आप पहले पूजा कर लीजिए, और पूजा करने के बाद फिर आप जो है आराम से जो है पेड और कपड़ा का इस्तेमाल कीजिए, फिर जब पूजा करना हो या पूजा को सामान छोड़ना हो तो आप जो है उसको हटा सकते हैं। तो ऐसे करके हम लोग जो है पूजा आराम से कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है पूजा कीजिए, और फिर क्या, फिर जो है मिलते हैं किसी और वीडियो ब्लॉग के साथ। तो उम्मीद करते हैं ये जो है वीडियो आपको आपको अच्छी लगी हो। तो चलिए मिलते हैं, ओके, बाय एंड टेक केयर।